हे गाइस, वेलकम टू राहुल मनी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जिसका हम लोग का काफी दिनों से इंतजार था वो फाइनली आ चुका है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर, तो अभी हम चलते हैं छठ के घाट पे और वहाँ पे चलकर देखते हैं कि इस बार क्या तैयारी किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं मसौढ़ी के मणिचक छठ घाट पे। यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी तैयारी की गई है। जगह पे लाइट्स वगैरह लगाया गया है, काफी साफ दिख रहा है और जगह जगह पे आपको दिख रहा होगा पंडाल जैसा बनाया गया है। तो इसलिए बनाया गया है ताकि तालाब के ऊपर निगरानी रखा जा सके, जिसकी वजह से कोई खतरा ना हो यहाँ पे। और काफी अच्छी तैयारी की गई है। लगभग 2 सालों के बाद ये तैयारी आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे आग देना मना हो चुका था। यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है, जैसे कि कोई बच्चा खो जाता है तो यहाँ पर आकर अनाउंस करवा सकते हैं, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आकर आप बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। और इस बार यहाँ पर की तैयारी काफी मस्त किया हुआ है। और ये है सूर्य मंदिर, जो कि अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है। पिछली बार आया था तो बन ही रहा था। और यहाँ पे ये धाम है, यहाँ पे शादी विवाह भी किया जाता है। और अभी हम आ चुके हैं मसौढ़ी के ठाकुरवाड़ी तालाब है, जहाँ पे मसौढ़ी में 2 तालाब बना हुआ है। मणिचक में यहाँ पे छोटा तालाब बना हुआ है, लेकिन यहाँ भी काफी अच्छा तैयारी किया गया है। यहाँ पर भी लोग आते हैं अर्घ देने के लिए। मसौढ़ी में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 तालाब बनाया गया है। यहाँ पर भी काफी अच्छी तैयारी की गई, आप लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो वीडियो का सलाह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। काफी ज्यादा धूप हो रहा था इसलिए ज्यादा नहीं दिखा पाई इसमें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऐसी जिंदगी हमें छिप छिपाए।